अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तारीख है 3 सितंबर और सियाब भाई को केरला से सफ़र करते हुए 94 डेज हो चुका है। और आप सभी ये जानते ही हैं कि सियाब भाई पोहरका गांव के मदरसा तालिबुन कुरान में रुके हुए थे और आज सुबह 6:20 पर सियाब भाई यहां से अपना सफ़र आगे जारी किया। अपना सफ़र जारी करते हुए सियाब भाई पहले धन्नासर में पहुंचे। मदरसा तालिमुल कुरान से धन्नासर की 7 किलोमीटर दूरी पर है और सियाब भाई ने अपना सफर जारी रखते हुए रावतसर में पहुंचे। धन्नासर से रावतसर 11 किलोमीटर दूरी पर 9:40 पर सियाब भाई ने रावतसर में पहुंचे और रावतसर में सियाब भाई को बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया था। और सियाब भाई ने अपना सफर आगे जारी रखते हुए लखोवाली गाँव पहुंचे और रावतसर से लखोवाली गाँव की मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान इसे की दूरी 10 किलोमीटर की है। 11 बजे सियाब भाई मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान में पहुंचे जो कि लखोवाली में है और फिलहाल सियाब भाई यही रुके हैं। इसी में अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। पोहरका से धन्नासर का डिस्टेंस 6.8 किलोमीटर, फिर धन्नासर से रावतसर का डिस्टेंस 11.2 किलोमीटर और रावतसर से मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान जो कि लखोवाली में है इसी का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। इन सभी को जोड़ा जाए तो ये आता है 28 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी बड़ी एक खबर है कि सियाब भाई ने आज 28 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और फिलहाल सियाब भाई लखोवाली के मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान में रह रहे हैं। और जब सियाब भाई यहाँ से सफर चालू करेंगे तब हम आपको अपडेट जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।